मामले खसूसी वजीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। इस मौका पर उनका कहना था कि बजट पास ना होने देने का अलाग नापने वाली अपोजिशन बजट की मंजूरी के बाद दुम दबाकर भाग निकली। अपोजिशन में हुकूमत को ललकारने का दम खम नहीं, हुकूमत की अवामी फलाह के मंसूबों को अपोजिशन नहीं रोक सकती। इंडस्ट्री को चलाने में मेहनत कश मजदूर का पसीना जो है वो चलता है, उसका दिन रात की अनथक मेहनत और जद्दोजहद जो है उस मंसूबों के साथ जुड़ी सनतकार की इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स हैं उसको वो मजदूर जो है वो तहफ़ देता है अपनी जान पे खेल के, तो उसकी सेहत के चैलेंजेस को हर हाल में एड्रेस करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी जो कल मीटिंग हुई है सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी से, उन्होंने भी इसका मुतालबा किया। ये हॉस्पिटल जो है इसको जदीद तरीन हतूत पे इस्तवार करने की ज़रूरत है। जो हमारा लेबर सियालकोट में बसता है उसकी लेबर कॉलोनी और रिहायशी सहूलतें ज़्यादा तादाद में फ्राहम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। लेबर मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के उसने सियालकोट बुला के जो नई लेबर पॉलिसी के हदों हाल है उसमें हम सियालकोट को तरजीही बुनियादों पे इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा जो एक हक है मजदूर का उसकी फ्राहमी को यकीनी बनाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो मजदूर के बच्चे की, या उसके साथ जुड़ी उसकी सेहत की ज़रूरियात और रिहाइश की ज़रूरियात और उन बच्चों की रोज़गार और उनकी शादियों के ताकि जो ग्रांट है हर सतह पे हम उसके हकूक का तहफ़ यकीनी बनाएंगे।